हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि यूपी बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है। तो आपके एग्जाम जो होने वाले हैं मई में 12th बोर्ड के, तो उसमें यह जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो उनके आंसर्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे जो है कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिया है और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मन जी है, हेटरोजाइगस है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है, ठीक है। तो जब 6 स्थलों पे ये हेटरोजाइगस होगा तो उसे कितने तरह के युग्मकों का निर्माण होगा, यहां पे हम देखेंगे। जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मनजी है, ठीक है, अर्थात कि ट्राईहाइब्रिड है, इसके जो तीनों लक्षण है, तीनों जो गुण है वो जो है क्या है, हाइब्रिड है, में तुलनात्मक लक्षणों के 3 जोड़े जीन को ही मेंडल ने कारक कहा था। प्रत्येक जोड़े लक्षण का भी संयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, तो द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मनजी होगा। जैसे लंबे पीले और गोल बीज वाले शुद्ध जनकों का संकरण नाटे हरे और झुरीदार बीज वाले पौधों से कराने पर F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर जो हाइब्रिड होंगे वो कैसे होंगे, लंबे गोल और पीले बीज वाले पौधों के विषम युग्मनजी जीन संरचना, तो हमारी जो जीन संरचना होगी ये प्राप्त होगी। इससे 8 प्रकार के युग्मक, इसे 8 प्रकार के युग्मक हमें गैमेट समय प्राप्त होंगे, और ये 8 प्रकार के गैमेट ये हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि F1 पीढ़ी के सदस्यों के जीन जो है युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए नए संयोज बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने फोटो से समझाया हुआ है कि जैसे कि ये जो है डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। यहाँ पे स्मूथ है, येलो पर्पल है, रिंकल ग्रीन और व्हाइट है। जैसे कि डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस करते हैं तो कैसे होता है, और फिर जो है कितने तरह के युग्मक हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें जो गैमेट प्राप्त होंगे वो 8 तरह के होंगे, ठीक है। लेकिन जो भले वो विषम युग्मी है, हेटरोजाइगस है, लेकिन जो वो गुण शो करेगा उसे हम फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट का ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, यह जो चैप्टर है इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मेंडल जो थे, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं या फिर फादर ऑफ हेरिडिटी हैं। तो इन्होंने जो मटर के पौधे पे प्रयोग किया था तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। तो यहाँ पे जो कह रहा है, जो डोमिनेंस का नियम है, ठीक है, प्रभाविता का जो नियम है उसकी व्याख्या करिए। तो यहाँ पे प्रभाविता के नियम को व्याख्या करना बहुत ही आसान है। जैसे कि टाल पौधे को ड्वार्फ पौधे से, मीन्स कि लंबे पौधे को अगर हम बौने पौधे के साथ संकरण कराएंगे तो क्या होगा, F1 जनरेशन में जो भी पौधे हमें प्राप्त होंगे सारे के सारे वो टाल होंगे, लेकिन वो जो हेटरोजाइगस होंगे, ठीक है, मींस कि वो होमोजाइगस नहीं होंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लीजिए, एक ही लक्षण के लिए 282 पौधे के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के लंबे और बौने पौधे के मध्य जो कराया गया है यह संकरण, ठीक है, और F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मी होंगे। वही मैं कह रही थी कि हेटरोजाइगस रहेंगे। F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक टी बौनेपन के कारक पर प्रभावी होता है। तो F1 जनरेशन में क्या होता है कि लंबे पौधे का जो कारक है वो छोटे बौने पौधे पे प्रभावी हो जाता है, और इसी को हम जो है क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कारक जो और जो ये स्मॉल टी है ये अप्रभावी रहेगा। अतः क्या होगा,
प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 जनरेशन में ये जो स्मॉल टी है मींस कि बौनेपन का जो जीन है वो प्रेजेंट तो होता है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्मक में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए, वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो जो वंशावली विश्लेषण है यह जो है क्या है, इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस हम क्यों करते हैं, जैसे कि कोई भी रोग है या कोई भी लक्षण है तो वो जो है माता पिता से बच्चों में किस तरह से जाता है उसकी एनालिसिस के लिए, या फिर किसी भी फैमिली का हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर तक की एनालिसिस हमें करनी हो किसी भी एक विशेष गुण धर्म को लेके, तो हम उसे पेडिग्री एनालिसिस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस वंशावली विश्लेषण होता क्या है, चलिए देखते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य पर भी अनुवांशिकता के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते, अतः मानव की अनुवांशिकी पर आधारित है। अतः मानव अनुवांशिकी के अधिकांश तथ्य अन्य जो जन समुदाय के अध्ययन अन्य जीवों के अनुवांशिकी पर आधारित है। जैसे कि क्या है कि मानव क्या है कि इसकी स्टडी हम जो है कि प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, तो मानव से मिलते जुलते जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं, उन्हीं की स्टडी के आधार पे हम मानव का भी विश्लेषण अनुवांशिक विश्लेषण करते हैं। मानव के अनुवांशिक लक्षणों या विशेषों का पता लगाने के लिए ये जो थे सर फ्रांसिस गाल्टन ने दो विधियां बताई थी, इसमें से कौन सी है, एक तो है ये पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को जीनियोलॉजी भी कहते हैं, और एक है ट्विंस का जो अध्ययन होता है अनुवांशिकी अनुपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करके भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे कि हार्डी विनबर्ग ने पूरे जन समुदाय में अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया। मानव अनुवांशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण असामान्यता एबनॉर्मेलिटी या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विशेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक सिंबल्स को हम यहाँ पे देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। ये जो सिंबल होते हैं ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड या जो है अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को इस तरह से शो करते हैं, मेटिंग को हम इस लाइन से करते हैं, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को हम डबल लाइन से करते हैं, पेरेंट जो है ये एबव है और नीचे जो है ऑफस्प्रिंग है, चिल्ड्रन बिलो को इसको हम जो है इस तरह से शो करते हैं, मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द पेरेंट डिजीज तो इसको इस तरह से करते हैं, फाइव वन अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग तो इस तरह। तो ये सारे सिंबल आपको पता होना चाहिए, सिंबल से भी पूछ देता है क्वेश्चन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जो मानव है उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, लैंगिक जनन करने। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है 2010 2012 2013 2014 15 16 17 हर साल पूछा गया है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। यह जो यूपी बोर्ड बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है हर साल पूछ लिया गया है लगभग, तो आप इसको जरूर से करिए अच्छे से। यहाँ पे है लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी।
ठीक है, द्विलिंगी को ही हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, मीन्स द्विलिंगी को ही उभयलिंगी भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, इनके बारे में हम आपको आगे समझा रहे हैं। एक लिंगी जीवों में नर तथा मादा जनन अंग जो है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, अलग अलग जंतुओं में होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में अंतर भी होता है, इसे लिंग भेद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। एक लिंग जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैक क्लुंग 1902 ने लिंग निर्धारण का गुण सूत्रवाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन दिया था। किसने? मैक क्लुंग ने लिंग निर्धारण का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन दिया था। इसके अंतर्गत लिंग का निर्धारण गुण सूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। अब यहाँ पर देखेंगे लिंग निर्धारण का गुण सूत्र जो सिद्धांत है उसको हम समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जो मानव होते हैं में दो प्रकार के गुण सूत्र पाए जाते हैं। एक तो होते हैं समजात गुण सूत्र, इनको ऑटोसोम्स भी कहते हैं, और दूसरे जो हैं उनको लैंगिक गुण सूत्र या एलोजोम्स भी कहते हैं। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं, सभी जीवों में गुण सूत्रों की संख्या निश्चित होती है जिसे 2×2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये दूसरे जो है लैंगिक गुण सूत्र, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लैंगिक गुण सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स तथा वाई। स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुण सूत्र XX समान होता था, पुरुष में लिंग गुण सूत्र असमान XY होते हैं। युवक में केवल एक ही लैंगिक गुण सूत्र होता है। लैंगिक गुण सूत्र की भिन्नता ही निम्न ही लिंग निर्धारित करती है। लैंगिक गुण सूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। लिंग निर्धारण की XY विधि क्या कहती है, चलिए इसको देख लेते हैं। इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुण सूत्र XX हैं तथा पुरुष में लैंगिक गुण सूत्र XY होते हैं। स्त्री में अंड जनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुण सूत्रों की एक अगुणित सेट और एक X लिंग सूत्र होता है, A+X। इस प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना में समान होते हैं, अतः स्त्री को समयुग्मकी लिंग होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन से बने 50% शुक्राणु में दैहिक गुण सूत्र का एक अगुणित से तथा एक गुण सूत्र व कुछ शुक्राणु में दैहिक गुण सूत्रों का एक अगुणित सेट होता है। इस प्रकार दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, 50% शुक्राणु A+X तथा 50% शुक्राणु A+Y गुण सूत्र वाले होते हैं। अतः पुरुषों से जो युग्मन जो गैमेट बनते हैं वो जो है विषम युग्म की लिंग है, ये हेट्रोगैमेटिक सेक्स कहते हैं, और इसे हेट्रोगैमेट भी बनते हैं। निषेचन के समय A+Y शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, तब नर संतान उत्पन्न होती है। यदि अंडाणु का समेकन A+X शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान उत्पन्न होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समय कनंडाणु के साथ होता है, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2AXX एंड 2AXY है, तो यहाँ पे ये ओवम बना है और ये स्पर्म बना है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का रुधिर वर्ग जो है ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए है, माता का बी है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रुधिर वर्गों की वंशागति किस तरह से होती है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स कैसे होता है, मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। रुधिर वर्गों की जो वंशागति होती है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, वो मेंडल के नियम के अनुसार होती है। बहुत सारे जो वंशागति है उस मतलब कि कुछ कुछ ही एक्सेप्शनल ही जो है वो कुछ कुछ वंशागति जो है इनहेरिटेंस जो है मेंडल के नियम को नहीं भी
फॉलो करती है, लेकिन ज्यादातर जो इनहेरिटेंस होते हैं गुण धर्म के लक्षणों के, वो सारे जो है कि मेंडल के का जो लॉ है, जो नियम उन्होंने दिया है उसको फॉलो करते हैं। इसकी वंशागति दो या अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स अर्थात एलील्स पर निर्भर करती है। रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति तीन जीन्स के कारण होती है। प्रतिजन ए के लिए जीन आई ए, प्रतिजन बी के लिए जीन आई बी तथा दोनों प्रतिजन के अभाव के लिए जीन आई जीरो उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाला जो एंटीजन होता है कि उपस्थिति या अनुपस्थिति तीन जीन के कारण होती है। अगर आई ए जीन उपस्थित होगा तो प्रतिजन ए बनेगा, आई बी जीन होगा तो प्रतिजन बी बनेगा, और अगर आई जीरो जीन होगा तो कोई भी प्रतिजन नहीं बनेगा। एक मनुष्य में इनमें से कोई एक या दो प्रकार के जीन्स गुण सूत्र पर एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। जीन जो होते हैं आई ए तथा आई बी क्रमशः आई जीरो पर प्रभावी होते हैं, जबकि जीन आई ए तथा आई बी में प्रभाविता का अभाव होता है, अर्थात ये सह प्रभावी कोडोमिनेंट होते हैं। विभिन्न रुधिर वर्ग के व्यक्तियों के अनुसार वर्ग की जीनी संरचना निम्नांकित तालिका के अनुसार हो सकती है। तो यह जो है यहाँ पे हमने एक तालिका से ये समझाया है कि रुधिर वर्ग जो है ए है, बी है, ए बी है और वो है। तो ए जो रुधिर वर्ग है उसके लिए जीन की संरचना ये हो सकती है आई ए ए हो सकती है, फिर आई ए आई जीरो हो सकती है। आई बी के लिए मतलब कि बी वर्ग जो है उसमें जो जीन होगा वो क्या होगा, आई बी होगा या आई बी आई जीरो होगा। जो ए बी रुधिर वर्ग है उसका जो जीन का संरचना होगा वो होगा आई ए आई बी, और जो जीरो या ओ वर्ग कहते हैं इसका जो जीन का संरचना होगा वो होगा आई जीरो आई जीरो। और इनका जो हम ये तो आपको क्रॉस करने आता ही होगा, आपने अगर पढ़ा है तो मन से, तो ये जो है बना दिया ना तो पूरे के पूरे मार्क मिल जाते हैं, तो इसको तो आप जरूर से बनाइए। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। देखिए कब पूछा है, 2013 में मेंडल बात पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, 2014 में मेंडल के द्विगुणित संकर प्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, 2013 में देखिए कितने सारे मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम को समझाइए। तो यह जो है ना मानव में जो लिंग निर्धारण होता है ये वाला क्वेश्चन, और ये मेंडल के नियम पे जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछ लिया जाता है, तो इसको तो पक्का से तैयार करके जाइए। मेंडल का लक्षणों के पृथककरण का नियम, मेंडल के जो तीन नियम है तीनों में से कोई भी पूछ लेता है, ये सारे के सारे पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए 2016-2017 में ये पूछा गया है, ये जो है 2010-2017 में पूछा गया है, ये पृथककरण का नियम फिर से 2018 में पूछा गया है, इसकी चित्र भी बनानी होती है। तो चलिए इसका आंसर को हम कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। तो मेंडल के वंशागति के नियम क्या थे, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्वि संकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के अनुवांशिकता के नियम कहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो है जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण जो है वो परिलक्षित होता है, दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता। उदाहरण हम देख लेते हैं, तो जैसे मटर का जो पौधा होता है उसमें टाल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें ये जो है इसका ये संतति प्राप्त होती है जो कि डोमिनेंट होता है, कौन सा गुण, लंबेपन का, जो टालनेस है वो डोमिनेंट होता है। तो ये संकर तो होता है लेकिन वो फिनोटाइप जो शो करता है, F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हैं, तो इस बात को आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये फोटो बना के दिखा दिया है कि टाल और ये ड्वार्फ है, टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराते हैं तो सारे के सारे हमें F1 जनरेशन में टाल प्लांट प्राप्त होते हैं जबकि वो हेटरोजाइगस होते हैं।
यहाँ पे प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से लक्षणों का नियंत्रण नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है, जिन्हें कारक कहते हैं। कारकों को ही जीन भी कहा जाता है। कारक जोड़े में पाए जाते हैं, जीन्स की जोड़े में पाए जाते हैं। असमान कारकों वाले जोड़े में एक सदस्य प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी रिसेसिव होता है। कारकों के पृथक्करण युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लक्षण कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं। इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। जब परस्पर विरोधी शुद्ध अनुवांशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकर कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी जो होती है F2 की संतानों में इन पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, तो इसे पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी में गण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेंगे। जब मटर के पौधे का जिसमें लाल पुष्प होते हैं और सफेद पुष्प से संकर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, तो F2 पीढ़ी में दोनों प्रकार लाल व सफेद पुष्प के उत्पन्न होते हैं। लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच 3:1 का अनुपात पाया जाता है। लाल पुष्प वाले पौधे संख्या में 1 भाग होते हैं थर्ड का, प्योर जो होते हैं 2/3 होते हैं और शुद्ध या संकर जो होते हैं 2/3 होते हैं। ये देख लेंगे, आप समझ लेंगे। अगली तीसरी पीढ़ी F3 में इनमें से एक तिहाई अर्थात 1/3 में केवल लाल पुष्प बनते हैं, शेष 2/3 2/3 में लाल पुष्प से अगली पीढ़ी में पुनः लाल व सफेद पुष्प बनते हैं। जब लाल पुष्प वाले इसको हम लोग जो है एक मैंने यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये रेड फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है, इसके बीच में इसमें आर गैमेट बन गया, यहाँ पे आर गैमेट बन गया। आर और आर का जब हमने क्रॉस कराया हाँ तो ये बना F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड फ्लावर है। ये देखिए यहाँ से जब गैमेट बनेंगे तो आर और आर ठीक है, इस तरह से गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्योर है रेड है, ये जो है हाइब्रिड है रेड है, ये भी हाइब्रिड है रेड है, और ये प्योर व्हाइट मतलब कि प्योर व्हाइट है, मींस कि होमोजाइगस है और व्हाइट है, यही चीज कर रहे थे। तो पृथक्करण के नियम के आधार पर मेंडल ने भविष्यवाणी की थी कि लाल पुष्प वाले पौधे में यही चीज जो मैंने आपको फोटो से समझाया इसमें आप समझ लीजिए उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब तीसरा जो नियम हमें समझना है वो है स्वतंत्र अभ्युन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात संकरण कराया। दो जोड़े विषयव्यापी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो उदाहरण यहाँ पे देख लेंगे और इसको भी हम लोग ना एक फोटो से ही समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है कि राउंड एंड येलो सीड है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड है। तो राउंड एंड येलो सीड का रिंकल एंड ग्रीन से कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो ये F1 जनरेशन है राउंड एंड येलो होगा, ठीक है। अब इसके जो गैमेट बनेंगे तो यहाँ पे हमने कराया है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें जो है इसमें जो कहा गया है कि स्वतंत्र अभ्युन का नियम जो होता है मीन्स की F2 जनरेशन में दो जो करैक्टर होते हैं एक साथ होते हैं फिर भी वो मिलते नहीं हैं, वो स्वतंत्र अभ्युन मीन्स कि किसी के भी साथ जाके जुड़ सकते हैं। तो बात एक ही है, उसको लिखने का तरीका है कि स्वतंत्र होते हैं कि वो फिर से एक दूसरे से अलग होके फिर किसी के साथ जाके अब नया गैमेट बना सकते हैं। तो यही है, ये इस चीज को एक बार पढ़ के भी हम समझा सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F1 पीढ़ी में क्या होता है कि फिनोटिपिक रेशियो जो है ये होता है, फिनोटिपिक रेशियो ये होता है, और उपरोक्त तो चारों का ये भी आपने देख लिया कि डोमिनेंस को कहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन है गुणात्मक विकल्पी, बहुविकल्पी से आप क्या समझते हैं। मानव में रुधिर वर्ग के प्रकार एवं उनकी वंशागति का वर्णन कीजिए, एबीओ रुधिर वर्ग की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा उनकी वंशागति समझाइए। बहुविकल्पी जो होते हैं, गुणात्मक विकल्पी, बहुविकल्पी तीन चार अथवा अधिक युग्म विकल्पियों का वह सेट है जो सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं और सजातीय गुणसूत्रों होमोलोगस क्रोमोसोम में उसी बिंदु पर स्थित रहते हैं। वास्तव में बहुविकल्पी एक सामान्य जीन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, मानव में रुधिर वर्ग जो होता है ब्लड ग्रुप इन मैन, मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति बहुविकल्पता का उदाहरण है। मनुष्य की आबादी में चार प्रकार के रुधिर ब्लड ग्रुप AB तथा O पाए जाते हैं। इनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। रुधिर वर्गों का वर्गीकरण RBCS की कोशिका कला पर स्थित प्रोटीन पदार्थ ग्लाइकोप्रोटीन पर निर्धारित होता है। इनको एंटीजेन अथवा एग्लूटिनोजेन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ए रुधिर वाला जो व्यक्ति होता है उसमें एंटीजन ए होता है, बी रुधिर वाला जो व्यक्ति होता है उसमें एंटीजन बी होता है, और ए भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में कोई एंटीजन नहीं होता है। मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में इन प्रतिजनों के प्रति विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, इन्हें प्रतिरक्षी एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इन्हें एंटी ए एंटी बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि एंटीजन ए जहाँ पे होता है वहां पे एंटीबॉडी जो होता है वो बी होता है। बी रुधिर वर्ग वाले में एंटीबॉडी क्या होता है, ए होता है। ए भी रुधिर वर्ग वाले में कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि ओ रुधिर वर्ग वाले में दोनों ही एंटीबॉडी होते हैं। यहाँ पर रुधिर वर्ग और प्रतिजन और प्रत्यय, ये जो है एंटीजन हो गए और ये एंटीबॉडी हो गए। ये रुधिर वर्ग हो गया हमारा, तो रुधिर वर्ग AB AB O हो गया, और यहाँ पे प्रतिजन कौन कौन से हैं इसमें और कौन कौन से एंटीबॉडी हैं, ये पूछ लेता है, ये जरूर से आना चाहिए। और इनका जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से होता है, ये भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति जो होती है, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, बॉर्न स्टीन ने 1924 से 1925 के लगभग में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का पता लगाया। इसके अनुसार ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जीनी संरचना जो होती है I0 I0 होती है। ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जीनी संरचना जो होती है IA I0 या IA IA होती है। बी रुधिर वर्ग वाले की, ये तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में ये बताया है कि ए रुधिर वर्ग में जीन संरचना क्या होगी, बी में क्या होगी, ए बी में क्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका अभिप्राय है कि एबीओ जो रुधिर वर्गों की वंशागति के लिए लोकस पर दो अन्य एलील्स भी पाए जाते हैं। इनको बहुविकल्पी एलील्स, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। जैसे कि रुधिर वर्ग गुण तो एक चीज हो गया ना, कि मतलब कि रुधिर है, ब्लड है, लेकिन उसमें भी कितनी वेराइटी है, मल्टीपल्स है। तो ये मल्टीपल एलील्स की वजह से मल्टीपल गुणधर्म है, तो यही हो गया, मल्टीपल एलील्स कहते हैं, ठीक है। तो यही ना पूछ रहा था हमसे कि इन्हें जो है किस तरह से जीनों के द्वारा दर्शाया जाता है, कौन सा डोमिनेंट होगा, को डोमिनेंट होगा। किंतु ए और बी एलील्स प्रभावी अर्थात एक साथ होने पर दोनों ही स्वतंत्र स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बात तो समझाई दी है। इस चित्र को भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे इनकी वंशागति होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ। क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है कितना पूछा गया है, लिंग संलग्नता लक्षण जो सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में है।
से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। ये देखिए कब कब पूछा गया है, 2011, 2012, 13, 14, 15 में, 18 में। लिंग संलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। देखिए फिर ये 2010 एक ही मैंने क्वेश्चन को ना उसकी भाषा को बदल के कई बार पूछ लिया है। मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति का उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए, यह 2010 में पूछा है। लिंग संलग्न लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए, 2013-2016 में पूछा है। ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये भी पूछा है। कलर ब्लाइंडनेस एक जो है सेक्स लिंक्ड जो है कि क्या है, बीमारी है। लिंग संलग्न लक्षण विशेष किसे कहते हैं, यह 2015 में पूछ लिया है। तो चलिए ये देखिए, ये मैंने दो तीन क्वेश्चन जो है, जैसे कि एक हो गया मेंडल के लॉ वाला, जिनका में उसमें तीन नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये चीजें। और एक जो दूसरा है कि मानव में लिंग निर्धारण, और एक यह जो है कि सेक्स लिंग कैरेक्टर वाला, लिंग संलग्न लक्षण वाला, ये जो है ना पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। लिंग संलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति कैसे होती है? प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर लक्षणों के जो जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक सेक्सुअल कैरेक्टर से होता है। मींस कि जो लिंग पे जो गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनपे जो गुण होते हैं, उनपे जो जीन होते हैं, वो जो कैरेक्टर शो करते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करते हैं। ये जीन्स ही जीन में लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए जिम्मेदार, रिस्पांसिबल होते हैं। फिर भी जंतुओं का यह गुण अत्यंत जटिल तथा व्यापक होता है, और इसे नियमित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन भी प्रभावी होते हैं। दूसरी ओर लिंग सूत्र पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले, अर्थात कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। ये लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं, जो लिंग संलग्न लक्षण सेक्स लिंग्ड कैरेक्टर उत्पन्न करते हैं। इनकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति सेक्स लिंग्ड इनहेरिटेंस अथवा लिंग संलग्न सेक्स लिंकेज कहलाती है। मनुष्य में इस प्रकार के लगभग 120 लक्षणों की वंशागति पाई जाती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्र एक्स तथा वाई गुण सूत्र कहलाते हैं। यद्यपि इनकी संरचना में भिन्नता दिखाई देती है, फिर भी वर्तमान जानकारी के अनुसार इन गुण सूत्रों में कुछ भाग समझात होमोलोगस होता है, जो अर्ध सूत्री विभाजन के समय सूत्र युग्मन सिनेप्सिस करते हैं, अन्यथा विशेष भाग असमजात नॉन होमोलोगस होते हैं। उपयुक्त आधार पर जिन तीन प्रकार के हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक है कि एक्स लिंक्ड होता है, एक है वाई लिंक्ड होता है, एक्स वाई लिंक होता है, ठीक है। तो कुछ जो कैरेक्टर होते हैं जो कि एक्स गुण सूत्र पे होते हैं, एक्स गुण सूत्रों के असंजात खंडों पर इन्हें लक्षणों के जीन्स स्थित होते हैं। एक्स गुण सूत्र पर इनका युग्म विकल्पी एलील नहीं होते। वंशागति में ये लक्षण पत्रों को केवल माता से तथा पत्रियों को माता व पिता दोनों से प्राप्त हो सकते हैं। इन्हें डेंड्रिक लग्न या लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। जैसे वर्णांधता हो गई, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, और फिर हीमोफिलिया। तो ये तीनों जो है हमें याद रखना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया, यह जो तीन गुण होते हैं ये क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं। वाई लिंक्ड जो होते हैं इनके जीन वाई गुण सूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार सहयोगी एक्स गुण सूत्र पर इनके एलील्स नहीं पाए जाते, अतः प्रत्येक संतति में पिता से केवल पुत्र तक ही जाते हैं। इन्हें हेलेंडिक गुण लिंग संलग्न गुण है, होलेंड्रिक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। इनकी वंशागति को होलेंड्रिक वंशागति, होलेंड्रिक सेक्स लिंक कैरेक्टर कहते हैं, और होलेंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस एफ एयर, जो
पुरुषों में होता है, कर्ण पल्लव पे जो बाल होते हैं उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो एक्स लिंक कैरेक्टर में कुछ कुछ जो ये बीमारियां ये याद होनी चाहिए, और वाई लिंक्ड में हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ एयर होती है ये भी याद होनी चाहिए। बाकी जो है संलग्न लक्षण जो होते हैं इनमें है एक्स वाई लिंक्ड मीन्स की बाकी जो एक्स वाई संलग्न लिंक्ड कैरेक्टर है इनके जीन एलील्स के रूप में एक्स एम वाई गुण सूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, अतः इनकी वंशागति पुत्र और पुत्रियों में समान ऑटोसोमल लक्षण ऑटोसोमल कैरेक्टर को भांति होती है। इन्हें अपूर्ण लिंग संलग्न इनकम्प्लीट सेक्स लिंग कैरेक्टर भी कहा जाता है। लिंग प्रभावी लक्षण, मानव के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनके जीन तो ऑटोसोम पर होते हैं परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष और स्त्री में जीन रूप जीनोटाइप समान रूप होते हुए भी फिनोटिपिक भिन्न होते हैं। मानव में गंजापन जो होता है, जो बाल्डनेस होता है, काफी होता है, यह विकिरण रेडिएशन तथा थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं के कारण भी हो सकता है और अनुवांशिक भी। अनुवांशिक गंजापन ऑटोसोमल एलीली जीन जोड़ी पर निर्भर करता है। सम युग्मजी तथा होमोजाइगस प्रबल जीन रूप हो तो गंजापन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में विकसित होता है, लेकिन विषम युग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस जीन रूप होने पर यह स्त्रियों में नहीं केवल पुरुषों में विकसित होता है, क्योंकि इस जीन रूप में इसके विकास के लिए नर हार्मोन का होना आवश्यक होता है। सम युग्मजी होमोजाइगस सुप्त जीन में गंजापन नहीं होता। लिंग सीमित लक्षण जो होते हैं, ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जीन भी ऑटोसोम पे होते हैं। इनके वंशागति सामान्य मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्य में होता है। गाय भैंस हो गई आदि में दूध का श्रावण, भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास, मानव में दाढ़ी मूछ आदि लक्षण ऐसे ही होते हैं। प्रायः दो प्रकार के लिंग संलग्न रोगों का अध्ययन भली भांति हुआ, इनकी वंशागति इस प्रकार होती है। उदाहरण हो गया वर्णांधता इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो होता है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति प्रायः लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, अतः इस रोग को लाल हरा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। प्रोटॉन दोष तथा डाल्टनिज्म जो होता है, प्रोटॉन डिफेक्ट डाल्टनिज्म इस रोग के अन्य नाम है। इस रोग के कारक चित्र कारपेंटर वाहन चालक आदि अत्यधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इस रोग का जीन जो होता है रिसेसिव होता है तथा लिंग गुण सूत्रों में से एक्स गुण सूत्र पर स्थित होता है। वाई गुण सूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं, परंतु पुत्रियों में से एक्स गुण सूत्र पर पिता का वर्णांध का अप्रभावी जीन पहुंचता है, अतः ये इस जीन के वाहक का कार्य करती हैं। एक सामान्य पुरुष तथा एक वाहक स्त्री की संतानें में केवल लड़कों में वर्णांधता विकसित होती है तथा एक एक्स गुण सूत्र पर वर्णांधता का जीन होने पर भी लड़कियों में यह रोग नहीं होता, परंतु ये वाहक का कार्य करती हैं। एक अन्य स्थिति में यदि एक वाहक स्त्री एक वर्णांध पुरुष के साथ सहवास करती है तो होने वाली संतानों में आधे पुत्र वर्णांध तथा आधे सामान्य होंगे, तो आधी पुत्रियां वर्णांध आधी पुत्रियां वाहक। इस प्रकार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बहुत ही ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है, समझ आ जाएगा। स्त्रियां सभी तभी वर्णांध होती हैं जब स्वर्ण अनंतता के जिन दोनों ही एक्स गुण सूत्र पर स्थित होते हैं, लेकिन जो पुरुष होंगे वो केवल एक्स पे होगा वर्णांध का जिन, तब भी जो है वो वर्णांध हो जाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो को,
नेक्स्ट है हीमोफीलिया का जीन रखने वाली स्त्री या वाहक जब एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसकी संतानों में पुत्रियां समान हीमोफीलिया की वाहक होंगी। इनमें यह रोग जो है स्पष्ट नहीं होता। दोनों जीन हीमोफीलिया के होने पर स्त्री प्रायः जीवित नहीं रह सकती, फिर भी उसके संभावित संतानों में लड़के सभी हीमोफीलिक होंगे किंतु लड़कियां वाहक होंगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F2 पीढ़ी में प्राप्त चारों पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिखाने का यहाँ पे एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। तो अभी तक हमने जो किया, ये जो क्वेश्चन थे तीन चार, ये जो मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे कराए हैं, तो इनको आप कर लीजिए और यह जो है आपके एग्जाम में इनमें से पक्का से आएगा, तो इसको जरूर से अच्छे से कर लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।